हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ सीए फाइनल एसएफएम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। प्लीज इलस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे, आप बहुत इजी इलस्ट्रेशन है, बहुत इजी इलस्ट्रेशन। प्लीज आप देखिए इसमें क्या बोला है। इफ द इंडियन रूपी इज द होम करेंसी एंड फॉरेन करेंसी इज द यूएसए डॉलर, देन What is the exchange rate between rupee and USA dollar? ये बहुत आसान है, exchange rate between USA dollar. अब आपको बताना है, प्लीज आप देखिए यहाँ पे, प्लीज देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता रहता हूँ। एक्सचेंज रेट बिटवीन USA डॉलर एंड रूपीज, ये दोनों के बीच की एक्सचेंज रेट बतानी है। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, सपोज कीजिए डॉलर 1 इक्वल टू रुपीज 50, तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो तरीका ये हो सकता है रुपीज पर डॉलर इज 50, और एक लिखा इसको कैसे लिखा जा सकता है रुपीज पर डॉलर इज 50, इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर 1 इक्वल टू रुपीज 50 लिखा जा सकता है। अगर आप दोनों साइड में 50 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉलर 0.02 इक्वल टू रुपी 1, ठीक है ना। अब इस एक्सचेंज रेट को अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं डॉलर पर रुपी इज 0.01, एक रुपये में इतना। अब बात को समझिए, यहाँ पे बात को समझने वाली बात यह है कि इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कोट, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम रहता है डायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट। इसका नाम क्या दिया जाता है, इनडायरेक्ट कोट। अब एक बात समझिए, जब होम करेंसी रुपीज है, यहाँ पे होम करेंसी क्या है रुपीज है, जब होम करेंसी नंबर ऑफ यूनिट में लिखा जाता हो एक फॉरेन करेंसी के बराबर, जब होम करेंसी नंबर ऑफ यूनिट में लिखा जाता हो एक फॉरेन करेंसी के बराबर, तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोट कहते हैं। व्हेन होम करेंसी इज रिटेन इन नंबर ऑफ यूनिट फॉर वन फॉरेन करेंसी देन इट इज सेड टू बी डायरेक्ट कोट। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोट। ऐसे भी जब इस कोटेशन को हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो रुपीज पर डॉलर इज 50 आ रहा है, रुपीज पर डॉलर इज 50 है, तो रुपीज पर डॉलर इज 50 है, तो नंबर ऑफ रुपीज है, रुपीज पहले आ रहा है, डॉलर बाद में, तो रुपीज इज द होम करेंसी, दैट इज अ डायरेक्ट कोट। अब इस कोटेशन को कैसे लिखेंगे, यहां पे रुपी 1 इक्वल टू डॉलर 0.02, तो यहां पे क्या होता है, इसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। जब आपको नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी लिखा जाता हो एक होम करेंसी के बराबर, जब नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी लिखा जाता हो एक होम करेंसी के बराबर, तो उसको इनडायरेक्ट कोट कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट कोट कहा जाता है। अब देखिएगा, व्हेन नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी इज रिटेन विथ वन होम करेंसी देन इट इज सेड टू बी
इनडायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, इसको इनडायरेक्ट कोट कहा जाता है। तो इसका मतलब दो तरीके से कोटेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक्सचेंज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है रुपीज और डॉलर के रूप में। या तो हम ऐसे लिखेंगे तो इसको डायरेक्ट कोट कहेंगे, या तो हम ऐसे लिखेंगे इसको हम इनडायरेक्ट कोट कहेंगे। या तो हम ऐसे लिखेंगे या तो हम ऐसे लिखेंगे, ये डायरेक्ट कोट हो गया, ये इनडायरेक्ट कोट हो गया, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल आपको देना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यूएसए डॉलर दिस रीड्स दिस, ठीक है, दिस मींस दैट वन इंडियन रूपी वन कैन बी रिटन लाइक दिस, दिस मेथड इज नोन दैट यूरोपियन टर्म, इसको क्या कहा जाता है, यूरोपियन टर्म कहा जाता है। जो इनडायरेक्ट कोट में लिखा जाता है उसको यूरोपियन टर्म कहा जाता है। कोट्स इन द नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ फॉरेन करेंसी फॉर वन यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कोट। तो आपको यहाँ पे यूरोपियन टर्म कहा गया, यूरोपियन टर्म, इसको कहते हैं अमेरिकन टर्म, अमेरिकन टर्म कहा जाता। आप देखिए, द अल्टरनेटिव मेथड इज कॉल्ड अमेरिकन टर्म्स एक्सप्रेस होम करेंसी प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कोट, दिस मीन्स दिस, ऐसे हेंस द रिलेशनशिप जो मैंने बताया, एग्जैक्ट आपका वही सारी चीजें यहां पे बताएंगे, ठीक है बेटा, ये समझ आ गया। ओके, थैंक यू क्लास।